कांग्रेस से भाजपा में आए हरदीप सिंह डंग को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद वे विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नंदी हॉल से ही बाबा के दर्शन किए। महाकाल मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने उन्हें बाबा को चढ़ा हुआ वस्त्र उड़ाया। मीडिया से चर्चा में हरदीप सिंह डंग ने कहा कि वह बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बाबा महाकाल का दर्शन करने का अवसर मिलता है। मेरी पढ़ाई उज्जैन में हुई है, इसलिए मुझे उज्जैन से लगाव है। मैंने बाबा से प्रार्थना की है कि देश व प्रदेश का विकास हो, अमन चैन बना रहे, भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़े, चीन और पाकिस्तान से डटकर मुकाबला करें। दिग्विजय सिंह व कमलनाथ पर कहा कि अब इन लोगों के पास बोलने के सिवा कुछ नहीं बचा है। मंत्रालय को लेकर कहा कि मुझे जो जवाबदारी मिलेगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा, जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वही होगा। महाकाल मंदिर में मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ भाजपा नेता इकबाल सिंह गांधी, भानु भदौरिया, विशाल राजौरिया मौजूद रहे। महाकाल के दर्शन करना सब एक बहुत शक्ति की बात होती है और किस्मत वाले हैं तो महाकाल के दर्शन करते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी कि महाकाल की नगरी में मेरी पढ़ाई जो ग्रेजुएशन हुआ है वो महाकाल की नगरी माधव कॉलेज में हुआ। और यहाँ पर जब दर्शन करने आते थे तो आनंद होता था। आज मंत्री बनने के बाद जो यहाँ पर दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो महाकाल के चरणों में यही प्रार्थना करी है कि देश प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, सुख शांति रहे, अमन चैन रहे। और वर्तमान के जो माहौल है, जो चीन पाकिस्तान लगातार जो सेनाएं संघर्ष कर रही है, सैनिकों को हिम्मत दें, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और देश मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम सब मिलकर उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। एक तरफ कमलनाथ दिग्विजय सिंह लगातार कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों पर प्रहार कर रहे हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? वो उनका बच्चा कुछ भी नहीं उनके पास, तो जब उनको जब मौका था जब वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए आज जो भी बोल रहे हैं अब उनके पास कुछ नहीं बचा खाली बोलने के सिवा। मंत्रालय को लेकर आपकी क्या मनोकामना है, क्या सोच है? मनोकामना तो भोले नाथ और जो भी हमारे वरिष्ठ ऊपर तो जो भी करेगा, सभी जो मंत्री बने हैं उनको जो भी जवाबदारी मिलेगी और उसमें मैं भी हूँ, जो भी पार्टी जवाबदारी देगा उसका निर्वहन बड़ी मजबूती से और ईमानदारी से करें। मध्य प्रदेश विकास के लिए किस प्रकार काम करेंगे? मध्य प्रदेश विकास जैसी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आया है तो इसे विकास प्रारंभ हो चुका है। और मेरा मानना है कि अभी प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार प्रदेश अच्छी ऊंचाइयों पर जाएगा। ये किसानों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, इसलिए यहाँ पर हमेशा भोलेनाथ विकास के रास्ते जिसको ले जाते हैं। उज्जैन से राजेंद्र प्रहार की रिपोर्ट।